सो फाइनली वी आर बैक इन अदर ब्लॉग इन अदर वीडियो। और आज का सीन ये है कि आज जो है ना शौकत खानम का कैंप है हमारे जो है कॉलेज में। और याद नहीं वैसे मैंने अपना कभी कॉलेज दिखाया नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक ब्लॉग शूट करना है कि लाइफ इन अ मेडिकल अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ मेडिकल स्टूडेंट। ठीक है, या वहाँ मेरे पीछे जो है ना मेरे फैंस खड़े हुए हैं और ये मेरे ब्लॉग नहीं करने दे रहे मेरे फैंस। और ये जो है ना और बच्चे ने खून भी दिया है। ठीक है, तो बड़ा लेट सीन चल रहे हैं और प्यारे प्यारे लोग भी आ रहे हैं। बस ये 2 मिनट की बात बंदे ने कहनी थी और कह दिया। ठीक है, और ये सीन है कि मैं अब इंट्रो तो जो सीन है एक यार ब्लड डोनेट करना चाहिए और एक इतना मिक्स बनी हुई है कि दर्द होती है और ये नहीं होते। थैंक यू फॉर द लेक्चर। अरे यार ये सीन मुझे नहीं करना, आप देखो जाके जो सारा सीन हुआ ना क्या प्रोसीजर्स थे, किस तरह ब्लड दिया जाता है और क्या सीन किया जाता है। ओके ओके जी, आप जाके जो है ना सीन देखो क्या सीन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ पे वेट चेक करते हैं, उसके बाद पूरा फॉर्म फिल करते हैं, उसमें आपकी रिसेंट हिस्ट्री लेते हैं, आपकी एड्स, हेपेटाइटिस और आप बाकी आपकी नाम, आपका सारा डेटा। उसके बाद आपका एच बी चेक होता है और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको फिर आपकी डोनेशन ब्लड डोनेट होता है। जी यहाँ पे इनका एच पी एम नहीं है, अगर इनका 15 for males 13.5 for females है। अगर इनका नॉर्मल होगा तो इनका नेक्स्ट रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहाँ पर इनका ब्लड दिया जाएगा। अगर ये एलिजिबल नहीं है तो फिर इनका ब्लड जब ये एलिजिबल हो गया ब्लड डोनेशन के लिए हम स्ट्रेचर पे ले आए हैं। इनका ब्लड ड्रॉ होगा नॉर्मली 5-10 मिनट्स लगते हैं और उसके बाद इनको 5 से 10 मिनट ब्रेजेस देंगे ताकि वो अनकॉन्शियस ना हो जाए। और हाँ यार आप लोगों ने, आप दोनों ने तो हाँ डोनेट कर दिया ब्लड, दर्द शर्त नहीं हुई? दर्द तो कोई नहीं हुई। तो क्या पैगाम देना चाहोगे वहाँ को? पैगाम कोई नहीं, बस देना चाहिए सबको ब्लड देना चाहिए, हमारा तो कुछ नहीं जाना, किसी ना किसी का कुछ बन जाएगा। और आप सेम मास तो उतार दो यार, क्या हो गया है? व्हाई आर यू सो शाय? मेरे अल्फाज वही है जो मेरे भाई के। ओह माय गॉड, देख रहे हैं? तो यार यू शुड डोनेट द ब्लड और हेजिटेट नहीं करना चाहिए और ब्लड को जो है ना डोनेट करना चाहिए। देखो आम सारी इधर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अच्छा सर, अब उधर से आया ब्लड बैग में, तो अब उसका फर्दर क्या, आप लोग किस तरह उसको डिस्पैच करते हैं? हमारे पास बैग आ रहा है। यस सर, उसमें हमारे पास वाइल्स है और एक बैग है। यस तो वाइल्स जो लेबल्ड हैं नाम और उनके पास नंबरिंग है, जो वाइल्स हैं उनके हम टेस्ट करेंगे हॉस्पिटल में जाके, 17 टेस्ट परफॉर्म होंगे। बैग है उसको बायो सीलर के साथ सील करके हम स्टोरेज बॉक्स में टेम्परेचर कंट्रोल तो वहाँ पर रखते हैं, तो वो हमारे पास सेफ हो जाता है। अच्छा, जो टेस्ट पास होंगे फिर वो फर्दर आगे मूव होंगे और बाकी जो होंगे वो फिर उसको आप जी इनिशियली हम इनसे असेसमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन हो रहे हैं जी जी, और इसके बाद इनकी एच बी चेक हो रही है। अगर वो ठीक होती है तो हम उनका ब्लड ले लेते हैं, बाकी इनके फर्दर जो 17 टेस्ट होंगे वो हॉस्पिटल में जाके होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मानू डार, मैं IFMS से SMC में वाइस प्रेसिडेंट एक्सटर्नल हूँ और उसके साथ साथ शौकत खानम में आई हैव बीन द एम्बेसडर फॉर लाइक 4 ईयर्स। फर्स्ट ईयर में जब मैं इधर आई थी तो मैंने एज एम्बेसडर ज्वाइन किया था शौकत खानम को, और उसके बाद से आज तक आप 4th ईयर में आ गई हूँ। और पूरे इस 3-4 साल के अरसे में हमने हर ज़कात कैंपेन में, हर सदका कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था। इस वक्त आज हम लोग यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप के साथ बैठे हुए हैं, मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरली हेल्प ना की जाए, मतलब वो तो हम करते ही हैं, उसके साथ साथ अब हम लोग एक स्टेप आगे जाके ब्लड डोनेशन की तरफ जाएँ, जो कि एज अ मेडिकल स्टूडेंट हमें पता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब उसके बाद 2 मिनट ब्रेक भी दे दो यार, दिमाग में ख़त्म हो जाती है यार। ये ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और असलान में
कुछ समझ नहीं लग रही इस्लान भाई ने बोलना क्या। इस्लान भाई मैं ऐसा हाँ दोबारा बोल। मेरा नाम मोहम्मद सलाम नवीद है और वो हमें पता चल गया। ठीक है वी कैजुअल एस सी हूँ SMC LC का और आज ये कम्पेन मैंने अपने से स्टार्ट की है और हम लोग इंशाल्लाह इस कम्पेन को अगले सालों में अपने कॉलेज में कंटिन्यू करेंगे। ये एक अच्छी चीज़ है और ये कुछ इंसेंटिव इस तरह के होते हैं क्योंकि उसमें एक दो की पार्टिसिपेशन से काम नहीं बनता और आज हम हमारे कॉलेज में हर क्लास में हर बच्चे ने हर ग्रुप से पार्टिसिपेशन आई है जो कि एक बहुत अच्छी बात थी। पर्सनल वेजेस को साइड पे रख के जब आप किसी अच्छे इंसेंटिव के लिए जब आप कोई काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपको इसकी जजा देता है। आपने भी कर दिया ना डोनेट ब्लड। यस देखें डोनेट ब्लड करके वो बाद मीटर भी दे रहे हैं। क्या बोलना है आपने आपने डोनेट करना ब्लड। मैंने तीन हफ्ते फ्रॉम टेली मेड्स ऑफिशियली आपने डोनेट किया ब्लड। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो किधर कर दिया नॉर्मल एलिजिबल है। मैंने सुना दो बोतलें देंगे जूस की इस वजह से मैं फिर जल्दी इंस्पिरेशन मतलब मुझे जो है ना मैंने भी डोनेट कर दिया। चल ओवरऑल ये मैंने भी डोनेट कर दिया। मैं फ्रंट कैमरे भी दिखाता हूं मैंने भी कर दिया डोनेट है मुझे भी मिल गया पर मैंने भी दो बोतलें जो है ना उसकी पी ली है। अभी तीन चाहिए वो चाहिए क्यों आई एम नॉट एलिजिबल व्हाई बिकॉज माय हेमेटोक्रिट लेवल इज जीरो। तो वैसे क्या थॉट्स देना चाहिए ब्लड के नहीं पहले हमारी कैंपेनिंग चल रही थी केई के साथ पर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कैंप लगवाया क्योंकि केई वालों को परमिशन नहीं थी मिलती। सो वी गॉट द परमिशन एंड वी हैव सीन द आउटकम। अभी तक हमें 40+ बैंड्स मिल गए और मोस्टली लड़कियाँ इनएलिजिबल है। हाँ देख लें और अभी भी जो है ना सिस्टम चल रहा है अभी फिलहाल ब्रेक का सीन है और जो है ना काफ़ी काम कर रही है डोनेट बट ये लोग एलिजिबल नहीं हुए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई एम प्रोफेसर डॉक्टर रियाजुद्दीन खानी हेमाटोलॉजिस्ट ऑफ सियालकोट मेडिकल कॉलेज कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट ऑफ सियालकोट मेडिकल कॉलेज एंड नॉन विंग टीचिंग हॉस्पिटल सियालकोट। अच्छा आज हमने यहाँ पे एक्टिविटी रखी हुई थी ब्लड डोनेशन के हवाले से कैंप किया था बेसिकली शौकत खानम की टीम थी और इसके अलावा हमारी जो स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन है ISSNA उनकी तरफ से दोनों की कोलाबोरेशन थी। मुझे भी इन्होंने अपने पेज पे लिया मैंने भी कुछ स्टूडेंट को मोटिवेशन करने की कोशिश की और टेक्निकल सपोर्ट दी इनको और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है इसमें। ठीक है 9 बजे से हमारी टीम जो है ना शौकत खानम की टीम 8 स्ट्रेचर लेके आई थी 8 ब्लड डोनेशन के बैग टेम्परेरी बैग जो थे इनके अरेंजमेंट थी वो 9 बजे से लेकर अब 2 बजे तक मुसलसल बिजी रहे हैं। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा ब्लड डोनेशन पर मैं आप रोशनी डालूँ। ठीक है तो ब्लड डोनेशन पे ये है कि सबसे पहले तो हमें नियत रखनी है इसको सबका जारिया समझ के क्योंकि नियत पे ही हमें जो है ना उसका अजर मिलता है। तो पहला पॉइंट ये है कि हमें सबका जारिया समझना। दूसरा पॉइंट जिस पे हमें सोचना है वो ये है कि ब्लड देने वाला तो मजबूरी में ले रहा है लेकिन देने वाले के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है डोनेशन है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। किस तरह से बिल्कुल इसी तरह से जैसे क्लासेज में भी मैंने मिसाल दी कि अगर आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं जॉगिंग करते हैं वेट लिफ्टिंग करते हैं और बॉडी बनाते हैं बेसिकली तो आपके मसल्स पे स्ट्रेस आती है आपकी लिम्स पे आपकी लेग्स पे स्ट्रेस आती है आप थक भी जाते हैं वर्किंग आउट में लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है आपको हेल्दी रखता है। जस्ट लाइक जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो बोन मैरो पे जहाँ ब्लड बन रहा है वहाँ पे एक स्ट्रेस आती है ठीक उस स्ट्रेस के नतीजे में ब्लड बनने का प्रोसेस तेज़ हो जाता है और बिल्कुल जैसे मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बेनिफिशियल है उसी तरह से ये भी बेनिफिशियल है। 30 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है हेमाटोलॉजी में पैथोलॉजी में तो अपना एक्सपीरियंस बताऊं मैंने हज़ारों हेमाटोलॉजिकल डिजीज के पेशेंट देखे हैं किसी एक पेशेंट में ये हिस्ट्री हमें नहीं मिली कि किसी पेशेंट ने कभी ब्लड डोनेट किया। अब ये अल्लाह ताला की तरफ से भी रहमत है जो ब्लड देता है वो बाकी बीमारियों से भी बचता है और हेमाटोलॉजिकल डिजीज से तो बचता ही बचता है। तो ब्लड देना बहुत अच्छी बात है ब्लड देने की आदत बनाएं। साल में 3 से 4 दफ़ा आप ब्लड दे सकते हैं तो अगर 4 दफ़ा नहीं देते कम से कम 3 दफ़ा 2 दफ़ा तो ज़रूर ब्लड दें। ठीक है
5 लोगों की जान बचा रहे हैं, ब्लड लाइफ सेविंग मेडिसन है, जस्ट लाइक अ मेडिसन ब्लड सेविंग चीज है, और इसका एक्सेस यूज भी नहीं करना है क्योंकि ये ब्लड इज ऑफ रेड कलर, रेड इज द साइन ऑफ डेंजर, डेंजरस चीज को आपने बड़ी एहतियात से यूज़ करना है, जहाँ जरूरत है वहीं यूज़ करना है, ठीक है जी। ब्लड डोनेशन करने की, ब्लड डोनेट करने की आदत बनाएं। थैंक यू।